परमपिता परमेश्वर भगवान राम इस तीर्थ क्षेत्र से यह प्रार्थना करता हूं कि भगवान इन कोरोना योद्धाओं को हमेशा सुखी रखें, संपन्न रखें, सद्बुद्धि दें, उनको किसी भी प्रकार का भय ना हो, उनको किसी प्रकार का रोग ना हो, वो हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सिद्धार्थ नगर जनपद के भरत भारी में कोरोना योद्धा को सम्मान पत्र और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। जनपद सिद्धार्थ नगर में डुमरियागंज क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत भरत भारी में उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षक संघ के द्वारा संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी के अवसर पर कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने में सभी सम्मानित योद्धा पत्रकारगण व पुलिस विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को सम्मानित किया गया। जैसे विजय यादव, अजित कुमार मौर्य, राजेश कुमार सिंह, अजीम रिजवी, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, टीवी न्यूज संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी, माता प्रसाद पांडे, सुशील प्रताप सिंह, आकाश पांडे, सुनील कुमार मिश्रा, गोपाल सिंह, राहुल सिंह, कृष्ण प्रताप, मुकेश कुमार, मोहम्मद इस्माइल, फारूकी अमीन, उमाकांत वर्मा तथा आदि कोरोना योद्धा को अंग वस्त्र एवं कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज थाना अध्यक्ष कृष्ण देव सिंह एवं शंकर जी मंदिर भारत भारी महंत श्री गिरजेश दास जी व श्री हनुमान मंदिर महंत श्री कृष्णमणि दास जी एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय भरत भारी के प्रधानाध्यापक श्री मोहम्मद नदीम जी व श्री सरस्वती इंटर कॉलेज भारत भारी के प्रधानाचार्य श्री राम नयन पाठक जी व भारत भारी प्रधान प्रतिनिधि श्री रमन पांडे जी व श्री दुख हरण महाविद्यालय तुरकोलिया बस्ती के प्रबंधक कुंवर वीरेंद्र सिंह एवं कर्मचारी व आशा बहु रोजगार सेवक उमा शंकर अग्रहारी व अनिल शर्मा सभी को अंग वस्त्र एवं कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन श्री ब्रजेश कुमार पांडे उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षक संघ प्रदेश संगठन मंत्री के द्वारा किया गया। सभी की उपस्थिति सराहनीय योगदान रही। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट।